हेलो गाइस, दिस इज योर चैनल सी ए टी वी। और आज अब हम पढ़ेंगे बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस के रिस्पेक्ट में। याद दिला दे तो अब हम पढ़ रहे थे इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस का चैप्टर, एंड उसमें फर्स्ट पार्ट में अराउंड 4 क्वेश्चंस ख़त्म हुए थे और अब हमको बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व व्हाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इनकमिंग पार्टनर के बिहाफ पर, तो इनकमिंग पार्टनर किसी फर्म में जा रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है, बट वो उसे इन्वेस्टिगेशन करवाना है कि वो फर्म उस लायक है कि नहीं, क्या उस फर्म में जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है। तो स्टेप इन्वॉल्व वाइल कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो क्या जो स्टेप्स है आपको लगेगी जब आप कंडक्ट कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, तो क्या आपको स्टेप्स देखनी पड़ेगी, क्या आपको स्टेप्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। द जनरल अप्रोच ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वुड बी मोर और लेस सिमिलर इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और एडरिंग सर्विसेज। नेचर ऑफ बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जनरल अप्रोच इधर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट की अप्लाई होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, क्योंकि इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जनरली इस तरीके की अप्रोच ही यूज होती है। और बिजनेस कोई सा भी हो, प्राइमरीली एन इनकमिंग पार्टनर वुड बी इंटरेस्टेड टू नो वेदर द टर्म्स ऑफर्ड टू हिम आर रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट रिकॉर्ड्स, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सोशियो इकोनॉमिक सेटिंग एंड वेदर ही वुड बी केपेबल ऑफ डिराइविंग कंटिन्यूइंग बेनिफिट इन द शेप ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड विच कैन बी जस्टिफाइड बाय ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग एंड अदर कंसिडरेशंस कंसिडरिंग हिज ओन पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट। तो प्राइमरीली तो जो इनकमिंग पार्टनर है वुड बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट whether the terms offered to him are reasonable. Interest, जब इनकमिंग पार्टनर होता है, इनकमिंग पार्टनर को ऑफर दिया जाता है, इनकमिंग पार्टनर यही चेक करता है, वो इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि जो उसे टर्म ऑफर करी है क्या वो रीजनेबल है कि भी नहीं है, और रीजनेबल है विथ रिगार्ड टू, इन सब चीज़ों को देखते हुए कि बिजनेस का नेचर, प्रॉफिट, कैपिटल, सोशो इकोनॉमिक सेटिंग एंड वेदर ही वुड बी केपेबल, और क्या वो उस बिजनेस से बेनिफिट डिराइव कर सकता है इन द शेप ऑफ रिटर्न। बेनिफिट किस शेप में, इन द शेप ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, क्या वो बिजनेस जो है क्या वो डिराइव कर सकता है इन द शेप ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड विच कैन बी जस्टिफाइड बाय ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग एंड अदर कंसिडरेशन कंसिडरिंग हिज ओन पर्सनैलिटी। तो इन द शेप ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज। तो बेनिफिट इन द शेप ऑफ रिटर्न और रेम्यूनरेशन विच कैन बी जस्टिफाइड बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड जस्टिफाइड बाय इकोनॉमिक कंडीशन एंड अदर कंसिडरेशन और कंसिडरिंग हिज ओन पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट। तो उसकी पर्सनैलिटी, अचीवमेंट एंड मार्केट कंडीशन को देखते हुए क्या वो उतने बेनिफिट वहाँ से डिराइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और कंटिन्यूटी है कि भी नहीं है, प्रॉपर रिटर्न उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इन एडिशन he would be interested to ascertain whether the capital to be contributed by him would be safe and applied usefully. So he would be interested, wo isme bhi interested hai to ascertain ki jo whether capital to be contributed by him, kya capital jo contribute kara gaya hai wo safe hai ki nahi hai, wo applied ho raha hai usefully ki nahi. Ab broadly steps involved are the following. To jo broadly steps involved hai wo is tarike ki hai कि एसर्टेनमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंसेप्शन एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो हमको एसर्टेन करना है ऑफ हिस्ट्री, एसर्टेनमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेप्शन एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। तो हमें एसर्टेन क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ द इंसेप्शन और ग्रोथ ऑफ द फर्म। स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या इनके डिसीजंस थे, ग्रोथ इनकी कैसी हो रही है, स्टडी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द डीड ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टडी करना है, तो पहले हमने पढ़ा एसर्टेन करना है, सेकंड हमने पढ़ा स्टडी ऑफ द प्रोविजंस।
तो हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, जैसे कि हमने किसी फॉर्म में मेरे को जाना है तो उसका इंसेप्शन मैंने देखा, उनका हिस्ट्री देखी, उनका ग्रोथ पैटर्न देखा, और प्रोविजन पढ़ रहे हैं जैसे पार्टनरशिप डीड, कंपोजिशन ऑफ पार्टनर, कितना पार्टनर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा है, ड्राइंग राइट कितने हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट कितने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट, जॉब अलोकेशन, गुडविल कितनी है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये तो फॉर्म के ऊपर जो हमने पढ़ा, फॉर्म का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली एक तरीके से कि फॉर्म में क्या TNC है। अब स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स बिजनेस ओवर अ सुटेबल नंबर ऑफ ईयर, तो स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फॉर्म्स बिजनेस ओवर अ सुटेबल नंबर ऑफ ईयर विथ यूजुअल एडजस्टमेंट डेटा नेसेसरी इन एसर्टेनिंग द ट्रू रिकॉर्ड ऑफ रेम्यूनरेशन विच मे बी एक्सेसिव और इनएडिक्वेट इन रिलेशन टू द नेचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पार्टनर एंड सच अदर फैक्टर एज मे बी रिलेवेंट। तो स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स बिजनेस, तो हमें क्या करना है, स्क्रूटनी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म्स बिजनेस ओवर अ सुटेबल नंबर ऑफ ईयर, द स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म बिजनेस ओवर अ सुटेबल नंबर ऑफ ईयर, तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी ऑफ द सुटेबल नंबर ऑफ ईयर विथ यूजुअल एडजस्टमेंट डेटा नेसेसरी, और बाकायदा उसमें हम एडजस्टमेंट भी करेंगे डेटा नेसेसरी इन एसर्टेनिंग द ट्रू रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, ताकि हम एक ट्रू रिकॉर्ड पता कर पाए कि बिजनेस प्रॉफिट का एक्चुअल में ट्रू बिजनेस प्रॉफिट क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन से भी चीज़ें चेंज हो सकती है, इन्फ्लेशन से भी चीज़ें चेंज हो सकती है, तो हमको एक तरीके से ट्रू रिकॉर्ड पता करना है, तो हम एक कुछ यूजुअल एडजस्टमेंट है वो करेंगे और स्क्रूटनी करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। पर्टिकुलर अटेंशन शुड हाउएवर बी पेड टू द नेचर ऑफ पार्टनर रेम्यूनरेशन विच मे बी एक्सेसिव और इनएडिक्वेट इन रिलेशन टू नेचर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब अटेंशन किन पे दिया जाएगा कि नेचर ऑफ पार्टनर रेम्यूनरेशन की रेम्यूनरेशन का किस तरीके से पे होता है, क्या वो एक्सेसिव है इनएडिक्वेट है, ये हो सकता है कि एक्सेसिव और इनएडिक्वेट हो इन रिलेशन टू नेचर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें इन रिलेशन टू नेचर ऑफ द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ द बिजनेस के हिसाब से एक्सपर्टीज ऑफ द पार्टनर के हिसाब से देखा जाए, तो जो वो पार्टनर है वो पार्टनर को यार पेमेंट ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही, तो वो वाले चीज़ों को भी ध्यान दिया जाएगा। एंड एग्जामिन दी असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन, अब इधर बात आ रही है असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन की। पहले हमने पढ़ा इंसेप्शन, ग्रोथ स्टडी करी और प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड्स को हमने देखे और कुछ उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, और एग्जामिन द असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन टू डिटरमाइन द टेंजिबल असेट बैकिंग फॉर द पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। तो एग्जामिन द असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन टू डिटरमाइन द टेंजिबल एसेट बैकिंग फॉर द पार्टनर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल लाइक गुडविल नो हाउ पेटेंट इम्पेंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड दोज फॉर पेंडिंग टैक्स असेसमेंट। तो हमने क्या पढ़ा, एग्जामिनेशन ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन, हमने एग्जामिन करना है असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन टू डिटरमाइन द टेंजिबल असेट बैकिंग फॉर पार्टनर इन्वेस्टमेंट। तो हमें एसेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन देखनी है टू डिटरमाइन द टेंजिबल एसेट बैकिंग फॉर पार्टनर इन्वेस्टमेंट, अप्रेजल ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल कि किस तरीके से कितनी फर्म के पास टेंजिबल एसेट है, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी है तो कितना टेंजिबल एसेट बैक्ड है, वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल के रिस्पेक्ट में लाइक गुडविल नो हाउ पेटेंट इम्पेंडिंग लाइबिलिटीज चेक कर लो जिसमें कंटिजेंट लाइबिलिटी भी इंक्लूडेड है एंड दोज फॉर पेंडिंग टैक्स असेसमेंट। इन केस ऑफ फर्म जो है जो सर्विस रेंडर कर रही है, द क्वेश्चन ऑफ टेंजिबल एसेट बैकिंग यूजुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सर्विस वाले केस में नहीं होता है ये, तो सर्विस के अलावा जो चीज़ें होती है सर्विस अदर देन सर्विसेज वाली अगर फर्म होती है तो वहाँ पे टेंजिबल एसेट का भी इम्पॉर्टेंस है, बट क्वेश्चन ऑफ जब क्वेश्चन आता है रेंडरिंग सर्विसेज का तो क्वेश्चन ऑफ जो है टेंजिबल एसेट जो है वो इतना वर्थ नहीं रखता है। बैकिंग यूजुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडेड द फर्म्स प्रॉफिट रिकॉर्ड बिजनेस कवरेज एंड स्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर आर ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर। द क्वेश्चन ऑफ टेंजिबल एसेट बैकिंग यूजुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडेड द फर्म प्रॉफिट रिकॉर्ड बिजनेस कवरेज स्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर आर ऑफ द एक्सेप्टेबल ऑर्डर। अब पोजिशन ऑफ द ऑर्डर इन एट हैंड, फर्म के पास कितने ऑर्डर है एट हैंड, तो हमें अब देखना है पोजिशन देखना है ऑफ ऑर्डर एट हैंड।
रेंज एंड क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल, ठीक है ये हमको देखना रहेगा। पोजीशन, एक और पोजीशन देखनी है, टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस, स्क्रूटनी टू असेस इट्स यूजफुलनेस एंड इम्प्लीकेशन फॉर द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, रीजन फॉर इट्स एब्सेंस शुड बी स्टडी। तो टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस कि अगर पार्टनर के कैपिटल के अलावा भी कुछ और तरीके से बॉरोइंग करी है तो टर्म्स ऑफ लोन फाइनेंस वुड कॉल फॉर केयरफुल स्क्रूटनी टू असेस इट्स यूजफुलनेस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दैट द कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। तो हमको ये देखना है कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल, तो कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ की पर्सनल जो है एम्प्लॉयड बाय द फर्म एंड एनी लाइकलीहुड ऑफ देयर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। तो हमको ये देखना चाहिए कि जो की पर्सनल है उनका कंपोजिशन क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या लाइकलीहुड है कि वो फर्म वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दे। तो कंपोजिशन, क्वालिटी ऑफ की पर्सनल जो फर्म ने एम्प्लॉयड करके रखे हैं और कितने चांसेस हैं उनके लीव होने के, क्योंकि अगर वो लीव हो जाएंगे तो हो सकता है फर्म अच्छे से वर्क नहीं करे। तो वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशन शुड बी एसर्टेन एंड देयर नेचर स्टडीड, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशन शुड बी एसर्टेन। तो हमें वेरियस इंपॉर्टेंट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन को हमको एसर्टेन करना चाहिए, उसका नेचर को समझना चाहिए। It may be the case that the firm has a standing agreement with the employees as regards salary and wages. It may be the case that the firm has a standing agreement with the employees. तो ये केस हो सकता है कि फर्म के पास स्टैंडिंग एग्रीमेंट हो विद द एम्प्लॉयज एज रिगार्ड सैलरी एंड वेजेस, बोनस, ग्रेचुटी। तो इट मे बी द केस दैट द फर्म हैज़ स्टैंडिंग एग्रीमेंट। तो हमें क्या करना है, हमको वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशन देखनी है, हमको उसको एसर्टेन करना है, उसको स्टडी करना है। और हो सकता है कि फर्म के पास कुछ स्टैंडिंग एग्रीमेंट हो विद द एम्प्लॉयज, जैसे कि सैलरी पे, सैलरी एंड वेजेस एक तरीके से ऑब्लिगेशन है, बोनस, ग्रेचुटी जो है फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन करना एक ऑब्लिगेशन होती है। फुल इंपोर्ट ऑफ सच स्टैंडिंग एग्रीमेंट वुड बी गॉज्ड बिफोर अ फाइनल डिसीजन रीच। रीजन फॉर ऑफर ऑफ एडमिशन, कि आप ऑफर क्यों कर रहे हो, तो एक रीज़न जानो। इट शुड बी डिटरमाइन वेदर द सेम सिंक्रोनाइज विद द रिटायरमेंट ऑफ सीनियर पार्टनर हुज एसोसिएशन मे हैव बैड कंसिडरेबल बियरिंग ऑन द फर्म सक्सेस। तो रीजन फॉर ऑफर ऑफ एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर, तो रीजन फॉर द ऑफर ऑफ एडमिशन कि हम रीजन फॉर द ऑफर ऑफ एडमिशन कि क्यों ऑफर ऑफ एडमिशन किया जा रहा है टू अ न्यू पार्टनर शुड बी एसर्टेन, वो एसर्टेन करो। एंड इट शुड बी डिटरमाइन वेदर द सेम सिंक्रोनाइज विद द रिटायरमेंट ऑफ सीनियर पार्टनर, क्या ये एक रीज़न है, क्या ये एक रीज़न है, इसको सिंक्रोनाइज करो कि क्या एक ये रीज़न है कि रिटायरमेंट ऑफ एनी सीनियर पार्टनर हो रहा है जिसका एसोसिएशन फर्म की सक्सेस में काफ़ी हेल्पफुल था, अब वो जा रहा है और न्यू पार्टनर आ रहा है, तो क्या ऐसा सिंक्रोनाइज बैठ रहा है क्या, तो ये रीज़न पता करो। अप्रेजल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इवेल्यूएट करो जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का रिकॉर्ड, रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ कंपेरिजन विद अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल रिजल्ट। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ कंपेरिजन विद अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यूज, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको कंपेयर करना विद अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यूज, ये भी चेक करना हमको। अप्रेजल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ नेसेसरी टू हैव कंपेरिजन विद अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यूज, हमको ये भी इससे भी हमको कंपेयर करना चाहिए कि फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है। It is necessary to compare with alternative business avenues for investment and evaluation of possible result on a change capital and organization structure. So, appraisal of the record of capital employed and the rate of return. It is necessary to have a comparison with alternative business avenues for investment and evaluation of possible result on a change capital and organization structure. So, आपने अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यू से अपने रिटर्न्स को कंपेयर करा, कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपेयर करा, और फिर एन इवेल्यूएशन ऑफ पॉसिबल रिजल्ट ऑन अ चेंज कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और फिर हमको ये भी इवेल्यूएट करना है ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ पॉसिबल रिजल्ट ऑन अ चेंज कैपिटल। तो हमने क्या पढ़ा, अप्रेजल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ कंपेरिजन विद द अल्टरनेट बिजनेस एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इवेल्यूएशन ऑफ अ पॉसिबल रिजल्ट ऑन अ चेंज कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यू के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इवेल्यूएशन ऑफ पॉसिबल रिजल्ट।
तो हम अल्टरनेटिव बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो अल्टरनेटिव बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट क्यों देख रहे हैं? हम अल्टरनेटिव बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट इसलिए देख रहे हैं एंड इवेल्युएट कर रहे हैं पॉसिबल रिजल्ट ऑन अ चेंज कैपिटल। वो इवेल्युएट कर रहे हैं पॉसिबल रिजल्ट जो हो सकता है हमारे कैपिटल पे आ सकता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम कैपिटल को चेंज कर देते हैं, कुछ कैपिटल इधर भी इंप्लॉयड कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस ला सकते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यूज पे भी फोकस करे रादर देन एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया पे फोकस करने के। तो हमें अल्टरनेट बिजनेस एवेन्यूज देखना चाहिए। इट वुड बी पॉसिबल टू हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी अटेंड बाय द फर्म इन एनी ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। तो इट वुड बी यूजफुल टू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज होना जरूरी है अबाउट द स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी अटेंड बाय द फर्म इन एनी ऑफ इट्स एक्टिविटीज़। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, तो मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, तो कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं ऑन एडमिशन एज ऑल्सो ऑन रिटायरमेंट, ये देखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इनकमिंग पार्टनर से गुडविल पे ज़्यादा मांग लिया हो, तो मैनर ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल, वेदर एनी स्पेशल क्लॉज एग्जिस्ट इन द डीड ऑफ पार्टनरशिप, का कोई सा स्पेशल क्लॉज जो है वो क्या पार्टनरशिप डीड में एंटर है टू अलाउ एडमिशन इन फ्यूचर ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि क्या वो कि डीड ऑफ पार्टनरशिप में एंटर है टू अलाउ एडमिशन इन फ्यूचर ऑफ अ न्यू पार्टनर हु मे बी एक्सरसाइज ऑन कंसेशनल टर्म्स, वेदर द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी ट्रांसफर टू द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म will be a liability or loss, अगर incomplete contract अगर कुछ transfer हो रहे हैं तो simple सी बात है incoming partner को भी उसके बारे में inform किया जाएगा। अब it would always be worthwhile to remember that partnership personal consideration could predominantly over other considerations and assessment of the standing of firm, standing the assessment on standing of firm, standing and reliability of other partner, the personal reputation, goodwill enjoyed by the product and service are important। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड फ्रेम ऑफ कंसिडरेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड फ्रेम ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन अबव, द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट वुड डिवाइस हिज ओन कंसिडरेशन इन ईच केस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड फ्रेम ऑफ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन के ब्रॉड फ्रेम है, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट इनके रिस्पेक्ट में चेक करेगा और अपने ओन कंसिडरेशन देगा इन ईच केस विच मे बी क्वाइट डाइवर्स। एडिशनल कंसिडरेशन मे कम अप इन द केस ऑफ सर्विस रेंडरिंग फर्म, अगर सर्विस रेंटरिंग फर्म है तो एडिशनल कंसिडरेशन आ सकते हैं। वे प्रॉफिट एंड बिजनेस रिकॉर्ड गुडविल ऑफ द फर्म एंड ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर वुड अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस। अगेन इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म्स, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा बट फिर भी उन्होंने बाइफर्केट करते हुए बता दिया कि अगेन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म, नेटवर्क ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर का नेटवर्क क्या है, क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल वुड बी रिलेवेंट फॉर कंसिडरेशन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ओवर होता है। क्वेश्चन में अपन पढ़ते हैं कि हमको किस तरीके से इसको समअप करना है। अब क्या हमने पढ़ा था स्टेप्स इन्वॉल्व में, कि एक जनरल अप्रोच होती है कि हमें चेक करना पड़ता है और इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन हमको करना पड़ता है, कोई सा भी नेचर ऑफ बिजनेस हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइमरीली जो है इनकमिंग पार्टनर भी इंटरेस्टेड होता है कि किस रिगार्ड पर, इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी ये चेक करता है कि जिसको टर्म ऑफर करी है तो हैविंग रिगार्ड टू ऑल अदर फैक्टर्स, क्या वो टर्म्स एंड जो है जो टर्म्स ऑफर करी वो सही है, और फिर हमको ये उसको ये भी देखना पड़ता है कि क्या वो बेनिफिट कंटिन्यू डिराइव कर सकता है क्या इन द शेप ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल या रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज इन एडिशन जो है, और हाँ उसकी पर्सनालिटी को देखते हुए, कंसिडरिंग हिज ओन पर्सनालिटी, क्या वो कंटिन्यू बेनिफिट डिराइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इन एडिशन ही वुड बी इंटरेस्टेड टू एसर्टेन वेदर द कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम वुड बी सेफ एंड अप्लाइड यूजुअली टू एडिशन, इन एडिशन ही वुड बी इंटरेस्टेड टू एसर्टेन वेदर द कैपिटल जो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम है वुड बी सेफ एंड अप्लाइड यूजुअली एंड ब्रॉडली। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर एज फॉलोज, तो हिस्ट्री देखो, इंसेप्शन से ग्रोथ तक की, इंसेप्शन की ग्रोथ की, प्रोविजंस को पढ़ो, डीड्स को, ड्राइंग राइट्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ो, रिकॉर्ड्स को देखो, प्रॉफिटेबिलिटी के रिकॉर्ड्स देखो, कुछ एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे ताकि हम ट्रू रिकॉर्ड पता कर पाए बिजनेस प्रॉफिट का, और प्रॉफिटेबिलिटी इन नेचर ऑफ बिजनेस, हाँ क्वालिफिकेशंस देखते हुए, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को देखते हुए चेक करो कि जो पार्टनर का रेम्यूनरेशन है वो एक्सेसिव इनएडिक्वेट तो नहीं है। एसेट एंड लायबिलिटी को एग्जामिन करो, लायबिलिटी में कंटिजेंट लायबिलिटी भी आ जाती है, कितना टेंजिबल एसेट बैक्ड है, और ऊपर सर्विस इंडस्ट्रीज में तो ये सब देखा नहीं जाता है,
ठीक है, बैकिंग यूजुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड द फर्म प्रॉफिट रिकॉर्ड बिजनेस कवरेज एंड स्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर आर एक्सेप्टेबल ऑर्डर. द क्वेश्चन ऑफ टेंजिबल असेट बैकिंग यूजुअली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड द फर्म प्रॉफिट रिकॉर्ड बिजनेस कवरेज एंड स्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर आर ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर. ठीक है, तो उसके फॉर्म के प्रॉफिट रिकॉर्ड बिजनेस कवरेज स्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर ये देखा जाता है. फिर ऑर्डर एट हैंड कितने हैं, क्वालिटी ऑफ क्लाइंटेल कितने हैं, लोन फाइनेंस की टर्म देख लो क्या प्रॉपरली लोन पे हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्वालिटी ऑफ केएमपी क्या है, कंपोजिशन ऑफ केएमपी क्या है, क्या लाइकलीहुड है कि वो जो है फ्यूचर में चेंज करने वाले छोड़ने वाले हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय सैलरी वेजेस, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, उन्हें क्यों एडमिशन ऑफर करा, और इट शुड बी डिटरमाइंड वेदर द सेम सिंक्रोनाइज विद, क्या इसलिए ऑफर करा है क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है फ्रॉम द सीनियर फ्रॉम एसोसिएशन से रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ एनी सीनियर पार्टनर. अब अप्रेजल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर क्या देखना है, अप्रेजल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या देखना है, अप्रेजल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेट ऑफ रिटर्न, कि कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो, अल्टरनेटिव बिजनेस एवेन्यूज चेक करो, अगर अल्टरनेट बिजनेस एवेन्यूज में अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, और इट वुड बी यूजफुल टू हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द स्पेशलाइजेशन इफ एनी अटेंड बाय द फर्म इन एनी ऑफ इट्स एक्टिविटीज, तो इट वुड बी यूजफुल टू हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द स्पेशलाइजेशन, अगर फर्म ने कुछ स्पेशलाइजेशन अटेंड करी है तो बहुत अच्छा रहेगा अगर वो फर्स्ट हैंड नॉलेज हो तो. अब मैनर ऑफ कंपटीशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल का कंपटीशन का मैनर क्या है, स्पेशल क्लॉज कुछ एग्जिस्ट करता है क्या, कुछ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है जो बाद में कंप्लीट होंगे तो क्या इनकमिंग पार्टनर की भी उस पर लाइबिलिटी है, तो वो सब चीज़ें बता के रखो. और ये सारे ब्रॉड फ्रेम ऑफ कंसिडरेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट जो है फिर उन सबको देखते हुए अपने ओन कंसिडरेशन देगा, और विच मे बी क्वाइट डाइवर्स. एडिशनल कंसिडरेशन मे कम अप इन द केस ऑफ सर्विस रेंटिंग फर्म, तो जो एडिशनल कंसिडरेशन है वो एडिशनल कंसिडरेशन जो है विच मे कम अप इन द केस ऑफ सर्विस रेंटिंग फर्म, तो कुछ एडिशनल कंसिडरेशन जो है हमको सर्विस रेंडरिंग फर्म में देखने पड़ते हैं, वेयर प्रॉफिट एंड बिजनेस रिकॉर्ड गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर वुड अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस. तो एडिशनल कंसिडरेशन में बिजनेस रिकॉर्ड गुडविल ऑफ द फर्म एंड इंडिविजुअल पार्टनर वुड अज्यूम ग्रेटर सिग्निफिकेंस. और जब इंडस्ट्रियल आता है तो इंडस्ट्रियल में कस्टमर का नेटवर्क, स्कैटर साइज, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है. तो इस तरीके से हमने जो है ये वाला क्वेश्चन खत्म किया है. अब आती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, तो ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में अब हम पढ़ रहे हैं. तो एज पर ऐसे 200, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये पूछा गया है शॉर्ट नोट के थ्रू. अब इन्होंने ये करने के बाद में इन्होंने ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंसेस भी बता दिए. तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, पर अगर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन आए तो बेटर है कि हम ये ही रिपोर्ट कर देते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. क्लास पूरी हो गई. ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलीजेंस में जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या है. तो शॉर्ट नोट पढ़ रहे थे, शॉर्ट नोट में स्टेटमेंट फॉर्म में देख के रखा है, रादर देन वो पढ़ने के अगर हम ये भी पोर्ट्रे कर दें या अगर ये भी इसको हम तरीके से लिख लें तो भी चलेगा. सो इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इन्वेस्टिगेशन का, द इन्वेस्टिगेशन एम्स एट एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट और अ हैपनिंग और एट असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो इन्वेस्टिगेशन एम्स एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट, वो एक फैक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, और अ हैपनिंग, establishment of happening, ये happened हुआ है, और at assessing a particular situation, the establishment of fact or a happening or at assessing a particular situation या particular situation को assess करना. तो establishment पे focus करता है या assess करता है particular situation को, तो establishment of fact या assess करता है particular situation को. अब आता है main objective, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द ऑडिट इज टू वेरीफाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द एंटिटी. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑडिट, तो जो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है, इज टू वेरीफाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्प्ले अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी.
तो जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट टू वेरीफाई कि उसमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स शो करते हैं, डिस्प्ले अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द वर्किंग रिजल्ट एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी, द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वर्किंग रिजल्ट ऑफ द एंटिटी। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, तो जो ऑब्जेक्ट ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिस्प्ले कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, तो ये वेरीफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये चेक करा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट करा जाता है या असेसमेंट करा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट या असेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। स्कोप, द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बी गवर्न बाय स्टैच्यू एंड इट में बी नॉन स्टैचुटरी। तो जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो या तो गवर्न बाय स्टैच्यू हो सकता है या नॉन स्टैचुटरी भी हो सकता है, पर जो स्कोप ऑफ ऑडिट है इज वाइड एंड इन केस ऑफ स्टैचुटरी ऑडिट द स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो स्कोप इसका वाइड होता है और ये तो स्टैचुटरी ही होता है। पीरियडिसिटी जो है, वर्क इज नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम, इट मे कवर सेवरल ईयर्स। तो कितने इन्वेस्टिगेशन रिजिड टाइम फ्रेम में नहीं होता, इसमें इंडिपेंडेंसी चाहिए और सेवरल ईयर सकते हैं। एज द आउटकम ऑफ द सेम इज नॉट सर्टन एंड एज द आउटकम ऑफ द सेम इज नॉट सर्टन, बट ये जो है ऑडिट ये तो फ्रीक्वेंट होना चाहिए, क्वार्टरली हाफ ईयरली। अब नेचर रिक्वायर अ डिटेल्ड स्टडी, तो डिटेल स्टडी चाहिए एंड द एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट एंड फिगर, तो डिटेल स्टडी चाहिए, हमको एग्जामिन करना पड़ता है फैक्ट एंड फिगर्स को, तो डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, एग्जामिन करना पड़ता है फैक्ट एंड फिगर्स को। वेयर इज जो ऑडिट है, ऑडिट में इन्वॉल्व होती टेस्ट चेकिंग और सैम्पलिंग टेक्निक टू ड्रॉ एविडेंसेस फॉर फॉर्मिंग अ जजमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ऑडिट में डिटेल स्टडी नहीं होती, ऑडिट में टेस्ट चेकिंग होती है और सैम्पलिंग टेक्निक यूज होती है टू ड्रॉ एविडेंस और फॉर्मिंग अ जजमेंट, उससे वो एविडेंस ड्रॉ करते हैं एंड जजमेंट को फॉर्म करते हैं। तो एविडेंस सैम्पलिंग टेक्निक है और टेस्ट चेकिंग है, सैम्पलिंग टेक्निक है जिससे वो एविडेंस को ड्रॉ जो एविडेंस को फॉर्म करते हैं एंड जजमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन देते हैं, या एविडेंस को ड्रॉ करके, एविडेंस को जो है ड्रॉ करके एक जजमेंट देते हैं और एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन को। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है कि कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन है। कंक्लूसिव एविडेंस इधर होते हैं, इधर प्राइमा फेसी एविडेंस है। एनालिटिकल इन नेचर होता है इनका ऑब्जर्वेंस, और इनका जो होता है इज गवर्न बाय द कंप्लायंस विद गैप। ये देखते हैं कि जो है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। एनालिटिकल नेचर नहीं होता, एनालिटिकल तब होता है जब उन्हें परस्यूएसिव एविडेंस जब मिल जाते हैं तो आगे प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करते। एनालिटिकल प्रोसीजर तब अडॉप्ट करते जब उनको एविडेंस फॉर्म करने में या एविडेंस को गैदर करने में या जब उनको ओपिनियन देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और जो प्राइमा फेसी देखकर नहीं पता चल पा रहा है, तो उसमें वो एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। बट जो इधर है, इधर तो इनका एटीट्यूड ही एनालिटिकल इन नेचर रहता है, डिसेप्टिव एटीट्यूड रहता है एंड द रिक्वायरमेंट अ थॉरो माइंड कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग फैक्ट। और एक थॉरो माइंड चाहिए जो capable of observing, collecting, and evaluating fact। तो ऐसा थॉरो माइंड होना चाहिए जो capable हो observing, फिर collecting and evaluating fact। तो fact वो observe करके collect कर सके और ऑब्जर्व करे, कलेक्ट करे और इवेल्युएट करे फैक्ट को। रिपोर्टिंग, द आउटकम इज रिपोर्टेड टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। द आउटकम इज रिपोर्टेड टू द पर्सन जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी तो जो आउटकम है ये बिजनेस को रिपोर्ट होता है। तो इस तरीके से हमने जो है ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन में पढ़ लिया है डिफरेंस। इसका फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि एक फैक्ट एस्टैब्लिश करना या पर्टिकुलर सिचुएशन को असेस करना, तो एक फैक्ट एस्टैब्लिश करना या पर्टिकुलर सिचुएशन को असेस करना। और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेरीफाई करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वर्किंग रिजल्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड वर्किंग रिजल्ट ऑफ द एंटिटी।
स्टैचुटरी नॉन स्टैचुटरी, ये स्टैचुटरी है, टाइम फ्रेम में नहीं होता है, सेवरल ईयर्स लग सकते हैं पर ये टाइम फ्रेम में होता है, क्वार्टरली या फ्रीक्वेंसीज की ज़्यादा है, डिटेल स्टडी लगती है, टेस्ट चेकिंग सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिससे एविडेंस ड्रॉ करे जाते हैं और कंक्लूजन डिराइव किए जाते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन दिया जाता है। इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है इसमें, है एविडेंस कंक्लूसिव है, इधर परसुएसिव प्राइमा फेसी है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ये एनालिटिकल नेचर है, थॉरो माइंड चाहिए ताकि वो ऑब्जर्व करे, कलेक्ट करे और इवेल्यूएट करे एविडेंस को। इधर तो बस ये देखना है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑडिटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। अब रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टिंग पर्टिकुलर पर्सन को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वो जो इधर आउटकम है, ये जो आउटकम है ये रिपोर्ट होता है टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अब सिक्स क्वेश्चन, मिस्टर क्लीन हु प्रपोज टू बाय प्रोप्राइटरी बिजनेस, अब इसे प्रोप्राइटरी बिजनेस को बाय करना है, और मिस्टर परफेक्ट एंगेज यू एज इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, क्या आप देखोगे स्पेसिफिक एरियाज, क्या आप देखोगे? तो स्टडी द ओवरऑल पिक्चर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द बिजनेस इन्वेस्टिगेशन इज टू हैव एन ओवरऑल पिक्चर एंड द पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो क्या देखेंगे? ओवरऑल पिक्चर एंड बिजनेस की पोजिशन जो है, तो ओवरऑल पिक्चर देखा जाएगा, ब्रॉड व्यू में देखा जाएगा, बिजनेस की पोजिशन को देखा जाएगा। फर्दर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर द बिजनेस इज इंगेज इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ वन और टू इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट। बिजनेस अगर मैनुफैक्चर कर रहा है तो मैनुफैक्चर कितने प्रोडक्ट को कर रहा है, इसके प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, इज प्रिंसिपली प्रोसेसिंग मटेरियल और इज कंसर्न ओनली विद द स्टेट ऑफ सिंगल सेल ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ऑल्सो उसको क्या चेक करना है, ऑल्सो ये भी चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ बिजनेस विच डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। क्या जो बिजनेस है ये इस पर डिपेंडेंट है क्या, कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के सक्सेस पर डिपेंड है क्या, और सप्लाई ऑफ पार्ट और कंपोनेंट फ्रॉम एंसिलरी बिजनेस और यूजेस इंडिजिनियस मटेरियल, तो वेदर इट इज़ अ बिजनेस विच डिपेंड अपॉन सक्सेस ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और सप्लाई ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट फ्रॉम एंसिलरी बिजनेस और यूजेस इंडिजिनियस मटेरियल। तो किस पर डिपेंड है बिजनेस, एंसिलरी बिजनेस से कंपोनेंट ले लेता है क्या, इंडिजिनियस मटेरियल यूज करता है, एंड द पार्ट विच आर मैनुफैक्चर्ड लोकली, इफ द बिजनेस इज लेबर इंटेंसिव, अगर बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, इट्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एंड रिलेशन ऑफ द मैनेजमेंट विद द ट्रेड यूनियन, तो रिलेशनशिप इसमें मायने रखती है। लेबर रिलेशन दस अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर लेबर रिलेशन है तो लेबर रिलेशन अफेक्ट करती है फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को, जो लेबर रिलेशन है, लेबर रिलेशन जो है वो अफेक्ट करती है फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को। The method of distribution of product even either through wholesaler or retailer must be examined. A method of distribution of product और distribution of product क्या है, तो हमको हमने ये देखा कि success अगर manufacturing business है तो किस कौन से किस type के raw material से वो success dependent है, और क्या manufacturing में हमको ये देखना है कि important line of product उनके कितने हैं, labor intensive है तो relationship proper है कि भी नहीं है, और स्किल लेबर है कि भी नहीं है। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थ्रू होलसेलर रिटेलर। फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर, और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ती है कि फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल कितनी है, क्या वो सफिशिएंट है कि नहीं है, ट्रेंड ऑफ सेल एंड प्रॉफिट क्या है, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कुड बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन द फ्यूचर, तो कितना प्रॉफिट वो एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन फ्यूचर कंपनी कर पाएगी, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है किसी भी बिजनेस को एक्वायर करना हो तो। फ्रॉम द अकाउंटेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू द फॉलोइंग स्पेसिफिक एरिया नीड टू बी लुक्ड इनटू, अब अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फॉलोइंग स्पेसिफिक एरिया नीड टू बी लुक, तो ये फॉलोइंग स्पेसिफिक एरिया और देखना चाहिए कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना चाहिए, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर अ कंसर्न, तो हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी देखना चाहिए। ऑफ अ कंसर्न एंड कंसीडर ईच आइटम इंक्लूडेड देयर इन रिलेशन टू करस्पॉन्डिंग आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑफ प्रीवियस ईयर, तो हमें कंपेयर करना चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को विद द करस्पॉन्डिंग आइटम्स इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इन द प्रीवियस ईयर। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए वो नेसेसरी है दैट अ समरी इन अ कॉलमनर फॉर्म शुड बी प्रिपेयर्ड, तो बकायदा एक समरी बनानी पड़ती है, कॉलमनर फॉर्म में प्रिपेयर करना पड़ता है, इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड 5 to 7 ईयर्स की स्टडी करनी पड़ती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ समरी अटेंशन शुड ऑल्सो बी पेड इन द फॉलोइंग मैटर्स, जैसे टर्नओवर है तो टर्नओवर पर ध्यान दो कि टर्नओवर कितना है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ब्रोक डाउन हो रहा है कि राइज अप हो रहा है,
वेरिएशन इसमें शो करना पड़ता है। इस तरीके से पता चल पाएगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स जो है वह इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। फर्दर बाय रेफरेंस टू द लिस्ट ऑफ कस्टमर इन द ऑर्डर बुक इट शुड बी एसर्टेन वेदर द बिजनेस हैविंग अ वेरी लार्ज टर्नओवर विद अ फ्यू कस्टमर और अ स्मॉल टर्नओवर विद सेवरल कस्टमर। तो कस्टमर्स देख जाते हैं कि फ्यू कस्टमर है कि सेवरल कस्टमर है। द ऑर्डर बुक्स शुड बी एग्जामिन टू फाइंड आउट द फिक्टिशियस सेल। अब ऑर्डर बुक्स को देखना चाहिए और एग्जामिन करना चाहिए। ऑर्डर बुक्स शुड बी एग्जामिन ऑर्डर बुक्स को एग्जामिन करना चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि कोई फिक्टिशियस सेल तो रिकॉर्डेड नहीं है, बड़ा चढ़ा के तो नहीं बता रही चीज़ों को। टू बूस्ट अप द प्रॉफिट इफ़ सो द फिगर ऑफ सेल्स ऑफ ईयर और ईयर शुड बी एडजस्टेड। अगर ऐसा है तो फिगर ऑफ सेल्स को जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इफ़ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी विच आर डिसिमिलर इन ऑपरेशन। अगर बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी विच आर डिसिमिलर इन ऑपरेशन तो बिजनेस अगर बिजनेस में इस तरीके की एक्टिविटीज़ है, इफ़ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बिजनेस में इस तरीके की एक्टिविटीज़ है जो डिससिमिलर इन ऑपरेशन है। तो इफ़ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो डिससिमिलर है इन ऑपरेशन लाइक मैनुफैक्चरिंग एंड एजेंसी देन अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग द इनकम बिटवीन टू सोर्सेज एक्सपेंसेज शुड ऑल्सो बी अ पोर्शन बिटवीन दैम। अगर बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो डिससिमिलर है इन ऑपरेशन तो लाइक मैनुफैक्चरिंग एंड एजेंसी देन अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग द इनकम इनकम तो स्प्लिट हो गई होगा बिटवीन द टू सोर्सेज एक्सपेंसेज शुड ऑल्सो बी अपोर्शन बिटवीन दैम एंड सेपरेटली अराइव एट फिगर्स कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट है। तो वेज स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि वेजेस आप कैसे करते हो पे करते हो। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रेट्स वेजेस शुड बी एग्जामिन ऑन ओकेजन ऑफ बिजनेस मे हैव टू पे हायर वेजेस। तो ऑन ऑकेजन जो है हायर वेजेस भी पे करने पड़ते हैं जो प्रिवेलिंग इन अदर बिजनेस इन द सेम नेबरहुड इन परसुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉर्ड। अनदर फैक्टर विच इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन दिस कनेक्शन इज द रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस विद द वर्कर। रिलेशनशिप क्या है बिजनेस का वर्कर से। तो रिलेशनशिप क्या है बिजनेस का वर्कर से। अ बिजनेस विच हैज सफर्ड सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्ट्राइक एंड हैज इट्स वर्किंग इंटरप्टेड बाय देम। अ बिजनेस विच हैज सफर्ड सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐसा बिजनेस जो सफर्ड है सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से स्ट्राइक से एक्सेट्रा एंड हैज हैड इट्स वर्किंग इंटरप्टेड बाय देम फ्रीक्वेंटली कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पे प्रॉपर अनलेस अ प्रॉपर सेटलमेंट इज रीच विद वर्कर्स यूनियन। अगर कोई सा बिजनेस है जो सफर्ड विद अ सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तो बिजनेस है अगर वो सफर्ड होता है सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से तो एंड हैड इट्स वर्किंग इंटरप्टेड बाय देम। तो सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका वर्किंग इंटरप्ट हो चुका है फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट हो चुका है तो वो नहीं इतना पूरा पे कर पाएंगे और उसके लिए प्रॉपर सेटलमेंट पे आना जरूरी है वर्कर यूनियन के साथ। तो एक एस्टैब्लिशमेंट एक रिलेशनशिप प्रॉपर होना चाहिए। डेप्रिसिएशन द चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड अदर एसेट इंक्लूडिंग द अकाउंट्स ऑफ द सेवरल ईयर शुड बी कंपेयर्ड। तो द चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो जो अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी है और अदर एसेट है should be included in the account of several year and should be compared to verify that depreciation has been provided from year to year on a consistent basis and that it is adequate. So depreciation has been provided from year to year consistent basis pe kara gaya hai depreciation provide kiya hai consistent basis pe provide kiya hai aur ye adequate hai. Also the necessary adjustment in the depreciation charge should be made if it is in also the necessary adjustment in the depreciation charge should be made if it is the practice of the company to write off the asset on a renewal basis. Generally with age cost of maintenance of asset would increase if it has not the reason thereof should be ascertained. The reason ko bhi ascertain karna padega. In case of leasehold property ke case mein it should be ascertained whether an adequate provision has been made for the dilapidation charge which may be payable at the end of the lease. It should be ascertained whether an adequate provision has been made for the dilapidation charge which may be payable at the end of the lease. तो हमें ये भी ascertain करना पड़ेगा कि whether an adequate provision has been made. अब managerial remuneration में it should be verified that a remuneration payable to various member of managerial personnel is not excessive in relation to the profit of the business. तो हमको ये भी verify करना पड़ेगा कि जो remuneration payable to various member है तो जो रेम्यूनरेशन पेबल करे जा रहे हैं वेरियस मेंबर ऑफ मैनेजरियल पर्सनल ये एक्सेसिव नहीं हो इन रिलेशन टू प्रॉफिट। एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कंप्लायंस होना चाहिए बकायदा।
आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट वो क्या देखते हुए देखना चाहिए मैनेजर या रेम्यूनेशन पे करना चाहिए कि कितना टाइम उन्होंने डिवोट करा है, कितने स्किल्स उन्होंने यूज़ करी है। हाउएवर इट कुड ऑल्सो बी डेट नो और ओनली अ नॉमिनल रेम्यूनेशन हैज इट चार्ज इन द अकाउंट। इन आइदर केस एन एडजस्टमेंट शुड बी मेड टू अराइव एट ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। फर्दर इन द केस ऑफ कंपनी और कंपनीज के कंपनी एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे। एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स, तो अगर हम देखें तो हम क्वेश्चन में ये पढ़ रहे थे कि भैया हमें कौन कौन से एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें अगर प्रोप्राइटरी बिजनेस को एक्वायर करना है तो एक्सेप्शन और नॉन रिकरिंग आइटम्स, ओके। फिर बैलेंस शीट के रिस्पेक्ट में भी चीज़ें पूछी गई है। सी कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो फिर इसको हम फटाफट और इसको कैटर करते। जो हमने पढ़ा था वो हमने एक बार इसलिए पढ़ा था ताकि हमको समझ में आ जाए कि किस तरीके की चीज़ें ये पूछ रहे। तो एक बार अगर हमने पढ़ लिया उसके बाद अगर हमने फटाफट भी इसको गो थ्रू करा तो चलेगा। तो एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स, इट इज़ कस्टमरी टू एडजस्ट एक्सेप्शनल आइटम इन द समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो एडजस्ट करो एक्सेप्शनल आइटम्स को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इन ऑर्डर दैट दे मे नॉट ऑब्स्क्योर द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ये ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करें और ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट हम प्रॉपरली जो है डिटेक्ट कर पाए। फिर इन मैटर ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम इट इज़ नेसेसरी टू, ये एक्सेप्शनल आइटम की बात कर ली, पर अगर बात आती है नॉन रिकरिंग आइटम की, इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट एडजस्टमेंट आर टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट आइटम एक्सेप्शन आइटम विच डू नॉट रिकर फ्रॉम ईयर टू ईयर और कैन बी कंसिडर एक्सेप्शन हैविंग रिकार्ड टू मटेरियलिटी एंड पीरियडिसिटी। तो इन द मैटर ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर दैट एडजस्टमेंट आर टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम विच डू नॉट रिकर फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड कैन बी कंसिडर्ड एक्सेप्शनल विथ रिगार्ड टू मटेरियलिटी एंड पीरियडिसिटी। तो नॉन रिकरिंग आइटम भी एक्सेप्शनल हो सकते हैं अगर उसका अगर मटेरियलिटी एंड पीरियडिसिटी से देखा जाए। तो एक्सेप्शनल आइटम हम दो तरीके से देख सकते हैं, मटेरियलिटी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं और पीरियडिसिटी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। उसका एडिशनल वो जो है एडजस्टमेंट होना जरूरी है। रिपेयरमेंट मेंटेनेंस में हमें ये देखना पड़ता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम होना चाहिए, 3-4 साल में होते हैं कि नहीं होते हैं, और रूटीन होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। और रिकरिंग एक्सपेंसेस हमको चेक करना चाहिए कि कंपनी में क्या क्या रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंडिचर इज अनड्यूली हैवी इन सम ऑफ द ईयर्स वाइट क्वाइट लो इन सम ईयर, तो हमको ये ट्रेंड देखना चाहिए कि कब जो है रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है कब कम रहता है। बाकायदा प्रोग्राम होना चाहिए तो और इस तरीके से, और हमें यह भी देखना चाहिए कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है उसका अलोकेशन सही तरीके से हो। रिवेन्यू चार्जेस को पीएनएल में लेके चले जाए, कैपिटल रिपेयर्स को अकाउंट एसेट में इनकॉर्पोरेट किया जाए। और अनयूजुअल ईयर, कंपनी रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में शो अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉफिट। तो कंपनी का जो रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है ये शो कर सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉफिट और लॉस, एंड इट मे बी हाईली एरेटिक एंड फ्लक्चुएटिंग वाइल अ डेफिनेट ट्रेंड इज डिस्क्रीनिबल। द जॉब ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटिंग इज समवॉट सिंप्लीफाइड, ही कैन अडॉप्ट रीसेंट ईयर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो ही कैन अडॉप्ट, ये अडॉप्ट कर सकता है रीसेंट ईयर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हैविंग रिगार्ड टू इन्फ्लेशनरी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। बट इफ द सेम इज फ्लक्चुएटिंग देयर विल बी मोर डिमांड ऑन द जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट इन सिलेक्टिंग द पीरियड टू बी कवर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या बोला गया है कि कंपनी रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में शो अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉफिट और लॉस, और इट मे हाईली एरेटिक एंड फ्लक्चुएटिंग while a definite trend is discernible. The job of investigating accountant is to somewhat simplified. He can adopt recent year record. जो अगर उसको trend देखना है profitability का, तो जो है investigating accountant को उसको recent year के records देखने पड़ते हैं of profitability as the basis of estimating future maintainable profit. अगर हमको ये चेक करना है कि future maintainable profit क्या है, having regard to inflationary state of the economy. हैविंग रिगार्ड टू इन्फ्लेशनरी स्टेट ऑफ इकोनॉमी, हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखने पड़ते हैं इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो हमको इसको कंपेयर करना। बट इफ द सेम इज फ्लक्चुएटिंग देर वुड बी मोर डिमांड ऑन जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट इन सिलेक्टिंग द पीरियड टू बी कवर्ड। पर अगर हमको लग रहा है कि पीरियड में बहुत सारे वेरियस पीरियड में जो है फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट हुए हैं और जजमेंट चाहिए अकाउंटेंट का इन सिलेक्टिंग द पीरियड और डिटरमाइन करे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इन सच केसेस इट मे बी इवन नेसेसरी
टू कंसीडर रिजल्ट ऑफ पास्ट 9-10 ईयर. इस केस में तो हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा और 9-10 साल तक चले जाना पड़ेगा. यू जनरली 5 साल तक जाते हैं, पर हमें अगर एक्सटेंड करना है तो 9-10 साल तक जा सकते हैं विद अ व्यू टू आयरन आउट द फ्लक्चुएशन. और हमको फ्लक्चुएशन को आयरन आउट करना है, क्योंकि हो सकता है 3-4 साल में फ्लक्चुएशन हो, पर देखा जाए तो एक ट्रेंड रहता है. तो हमको एक लंबे समय के लिए हमको फिर इवेल्युएट करना पड़ेगा रादर देन 5-6 साल के लिए. तो इफ हाउएवर इट इज नोटिस दैट रिजल्ट ऑफ वन और मोर ईयर अंडर स्क्रूटनी वर मटेरियली वीटिएटेड बाय एक्सेप्शनल फैक्टर्स. और ये भी देखना है, इट इज नोटिस दैट रिजल्ट ऑफ वन और मोर ईयर अंडर जो स्क्रूटनी है वो मटेरियली वीटिएटेड बाय एक्सेप्शनल फैक्टर. कि जो रिजल्ट है ऑफ वन और मोर ईयर अंडर स्क्रूटनी आर मटेरियली वीटिएटेड बाय एक्सेप्शन फैक्टर्स. कि जो वन और मोर ईयर्स के जो रिजल्ट थे, क्या वो उसमें कुछ एक्सेप्शनल फैक्टर्स हुए थे, लाइक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नेचुरल कलामिटी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड एलिमिनेट सच ईयर. तो उस ईयर्स को एलिमिनेट कर दो. देखो, अनयूजुअल ईयर को एलिमिनेट कर दो, पर अगर वेरिएशन है तो उस केस में उसको कंसिडर करो, पर पीरियड आप बढ़ा दो टू आयरन आउट द फ्लक्चुएशन. फिर बैलेंस शीट आइटम में हमें ये देखना है कि फिक्स एसेट को है प्रॉपरली शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, और क्लासिफिकेशन प्रॉपरली करा है कि नहीं करा है, एज एनालिसिस होता है कि नहीं होता है, वेरियस आइटम ऑफ फिक्स एसेट जो ओल्ड एंड ऑब्सोलीट है उसको रिप्लेस करते हैं कि नहीं करा जाता है, और स्क्रैप को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता है. इट शुड बी सीन दैट देयर वैल्यूज आर नॉट इन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस. उसकी जो वैल्यू है फिक्स एसेट की जो वैल्यू है, वैल्यू आर नॉट इन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस, तो उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा पे रिकॉर्ड मत कर देना. ठीक है. अब इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट को भी शुड बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो रेडिली रियलाइजेबल होते हैं, जो एक साल से या उससे ज़्यादा तक होल्ड पे नहीं रहते, और जो अदर इन्वेस्टमेंट है आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, इसका वैल्यूएशन का पर्टिकुलर बेसिस होता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट, तो ये कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और जो करंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है. हाउएवर व्हेन अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट द कैरिंग अमाउंट शुड बी रिड्यूस्ड टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन. तो कैरिंग अमाउंट फिर रिड्यूस हो जाता है और डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज किया जाता है. कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस. तो जो कैरिंग अमाउंट है ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग, ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट होता है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिटरमाइन होता है. इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हो रहा है वो बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है एज एन इनकम. और इन सम केसेस रिसिप्ट रिप्रेजेंट रिकवरी ऑफ कॉस्ट एंड शुड देयरफॉर बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर कुछ सब्सिडी मिल रही है या डिविडेंड, ओके, डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन, तो डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो है, अगर हमको कुछ ऐसा डिविडेंड मिल रहा है या कुछ रिकवरी हो रही है, वो इनकम शो नहीं कर सकते, कुछ रिसिप्ट जो है वो रिकवरी जैसे शो करती है, जो रिसिप्ट शोइंग रिकवरी, तो उसको बकायदा कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे. इन्वेंट्री में भी प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए, एज का कंप्लायंस होना चाहिए, और ड्यू अलाउंस होना चाहिए, प्रॉपरली वैल्यूड होना चाहिए, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, और इन्वेंट्री को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए, डिड नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, और डैमेज और एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट का बकायदा सेपरेटली प्रोविजन होना चाहिए. ट्रेड रिसीवेबल में भी चेक करना चाहिए बैड डेप्ट हैव बीन एडजस्टेड, और क्रेडिट क्या कितना आप देते हो, तो वेदर बैड डेप्ट हैव बीन एडजस्टेड इन द ईयर्स, एंड सच एन एडजस्टमेंट शुड बी मेड बट नॉट व्हेन डेप्ट हैड टू बी रिटर्न ऑफ. तो वेदर बैड डेप्ट हैज बीन एडजस्टेड इन द ईयर्स इन विच द सेल्स बुक, ओके. तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा ये इंटेंस किया गया है. लेट्स सी, इसको ओवर भी करना है हमें, और ठीक है, ओके. सो हम अब ट्रेड रिसीवेबल पे जाते हैं. तो अभी हम देखो, हम पीएम एक बार पढ़ रहे हैं, बट इसको अब इसको हमको समरी में भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसमें एक एक पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं. तो अगर देखा जाए
तो स्टडी द ओवरऑल पिक्चर हमने समझा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल समझा, फिर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट समझा और फिर इंटरप्रिटेशंस ऑफ फिगर समझे। तो उन्होंने क्या किया, पीएनएल और बैलेंस शीट के आइटम्स को भी जो है ज़्यादा इन्होंने एक्सपांड करके बता दिया और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया लंबा। पर खैर, ट्रेड रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में अब हमको पोर्शन देखना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इन असेसिंग देयर वैल्यू द फॉलोइंग शुड बी टेकन इन टू अकाउंट, वेदर ट्रेड वेदर बैड डेट हैव बीन एडजस्टेड इन ईयर्स इन विच रिलेवेंट सेल्स टुक प्लेस इंस्टेड ऑफ द ईयर इन विच दे हैव बीन रिटर्न ऑफ। क्या जो बैड डेट है वो उस ईयर में एडजस्ट हुए हैं जिस साल का रिलेवेंट सेल था, इंस्टेड ऑफ द ईयर जब वो बैड डेट रिटर्न ऑफ हुए। नॉर्मली सच एन एडजस्टमेंट शुड बी मेड बट नॉट व्हेन डेट हैव हैड टू बी रिटर्न ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ स्लंप और फॉल ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस। नॉर्मली सच एन एडजस्टमेंट शुड बी मेड, इस टाइप के एडजस्टमेंट किए जाते हैं, बट नॉट व्हेन डेट हैड टू बी रिटर्न ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ अ स्लंप और फॉल इन द इंटरनेशनल प्राइसेस। पर जब इंटरनेशनल प्राइसेस का फॉल हो जाता है या स्लंप के कारण इकोनॉमी डाउन हो जाती है या एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है या रिसीवेबल डाउन हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट टू द पीरियड इन विच सेल्स हैज बीन टेक प्लेस। ठीक है, तो उस केस में हमें जो है हमें सब्सिक्वेंट पीरियड में जो है बैड डेट करना पड़ता है। एंड नॉर्मली सच एन एडजस्टमेंट, इस टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब सेल हुआ है उस सेल के रिस्पेक्ट में उस साल में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इस टाइप के एडजस्टमेंट ही होते हैं जनरली देखा जाए। तो लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड हमको देखना पड़ेगा और किस क्रेडिट पीरियड का लेंथ क्या है, वर्किंग कैपिटल कितना ब्लॉक्ड रहता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउड थ्रू आउट द पीरियड अंडर इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन वेदर इट हैज बीन नेसेसरी टू इंक्रीज द कंटिन्यूअली द क्रेडिट पीरियड इन ऑर्डर टू इफेक्ट द सेल्स। क्या हमें इतना क्रेडिट पीरियड देने की जरूरत है सेल्स को इफेक्ट करने के लिए। डेब्ट शुड बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर एज, जो डेब्ट है उसको एज वाइज क्लासिफिकेशन करो, दिस वुड डिस्क्लोज द कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज। तो डेब्ट जो है वो क्लासिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू द एज, दिस वुड डिस्क्लोज द कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज। तो जो डेब्ट है वो क्लासिफाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड दिस वुड डिस्क्लोज द कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज विथ होम द कंपनी ट्रेड। तो जो डेब्ट है वो शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एज, एज वाइज क्लासिफिकेशन होना चाहिए एंड दिस वुड डिस्क्लोज द कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज। एंड जिससे समझ में आ जाएगा कैरेक्टर ऑफ द पार्टीज की पार्टीज कितना पे करती है, विथ होम द कंपनी ट्रेड्स एंड द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डेट विल बी नेसेसरी ब्लॉक ऑन दिस अकाउंट। और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक्ड हो रहता है, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा अगर हमने एज वाइज क्लासिफिकेशन करा, द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डेट विल बी नेसेसरी ब्लॉक ऑन दिस अकाउंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब फिर बात आती है अदर लिक्विड एसेट की, टू इट शुड बी एसेटेंट एट द एसेट शुड सो डिस्क्राइब आर रेडिली रियलाइजेबल। कि जो एसेट है जो डिस्क्राइब है वो रेडिली रियलाइजेबल हो। मनी विद द बैंक इन लिक्विडेशन वो शुड बी टेकन ओनली टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। टू इट शुड बी एसेटेंट डेट द एसेट सो डिस्क्राइब आर रेडिली रियलाइजेबल। तो इट शुड बी एसेटेंट डेट जो एसेट डिस्क्राइब करा गया है वो रेडिली रियलाइजेबल है। एंड मनी विथ बैंक इन लिक्विडेशन शुड बी टेकन ओनली टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो मनी विथ अ बैंक इन लिक्विडेशन शुड बी टेकन ओनली टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो मनी विथ अ बैंक इन लिक्विडेशन, तो जो मनी है विथ अ बैंक इन लिक्विडेशन शुड बी टेकन ओनली टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो मनी विथ अ बैंक इन लिक्विडेशन शुड बी टेकन ओनली टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। तो मनी विथ अ बैंक इन लिक्विडेशन शुड बी टेकन ओनली, हमें सिर्फ उतना ही टेक करना चाहिए, टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। आइडल एसेट, ऑन अ स्क्रूटनी इट मे अपियर डैट सर्टन एसेट्स आर रिमेनिंग आइडल एंड आर नॉट बींग प्रॉपरली अप्लाइड इन द बिजनेस। तो ऑन अ स्क्रूटनी इट मे अपियर डैट सर्टन एसेट्स आर रिमेनिंग आइडल। तो ऑन स्क्रूटनी इट मे अपियर डेट सर्टन एसेट्स आर रिमेनिंग आइडल एंड आर नॉट बींग प्रॉपरली अप्लाइड इन द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन प्लांट एंड मशीनरी मे हैव पुट टू यूज आफ्टर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एक्विजिशन, सम ऑफ द फिक्स एसेट मे बी अवेटिंग इंस्टॉलेशन इवन एट अ वैल्यूएशन टाइम। लाइबिलिटीज, द इम्पॉर्टेंट मैटर टू इन्वेस्टिगेट इन दिस रिगार्ड इज वेदर
दोज आर स्टेटेड फुली और अंडर स्टेटेड और ओवर स्टेटेड हमको ही देखना पड़ेगा. हमने एसेट्स पढ़ लिया, लाइबिलिटीज में हमको ही देखना पड़ेगा कि वो अंडर स्टेटेड है कि ओवर स्टेटेड है. इन अदर वर्ड वेदर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन इन्फ्लेटेड बाय सप्रेशन ऑफ लाइबिलिटीज. ऐसा तो नहीं कि सप्रेशन ऑफ लाइबिलिटीज से प्रॉफिट को इन्फ्लेट दिखा दिया हो. और देर आर एनी फ्रीज इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटी. इन आइदर केस एडजस्टमेंट वुड बी नेसेसरी. अगर कुछ भी ऊपर नीचे करके रखा है तो एडजस्टमेंट उसमें लगेगा. सेकेंडली इट शुड बी एसर्टेन डेट लाइबिलिटी आर नॉट ड्यूली लार्ज एंड नॉट आउटस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लाइबिलिटी लार्ज नहीं होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो लाइबिलिटी लार्ज नहीं होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन सच केसेस इट वुड बी नेसेसरी टू पे ऑफ सम ऑफ देम विच कुड कॉज अ ड्रेन ऑन द लिक्विड. तो इन सच केसेस इट वुड बी नेसेसरी टू पे ऑफ सम ऑफ देम. तो इन सच केस ये बहुत जरूरी है टू पे ऑफ सम ऑफ देम विच वुड कॉज अ ड्रेन ऑन द लिक्विड रिसोर्सेज ऑफ द कंसर्न. द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द रिपोर्ट. ठीक है. तो टैक्सेशन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट कंप्लीटेड शुड बी स्टडीड एंड इट शुड बी वेरीफाइड दैट एन एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटी. तो ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट कंप्लीटेड शुड बी स्टडीड. तो जो ऑर्डर्स है जिसके रिस्पेक्ट में असेसमेंट कंप्लीट हो गया है उसको स्टडी करना चाहिए. इट शुड बी वेरीफाइड दैट द एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइबिलिटीज फॉर टैक्सेस विच हैज नॉट बीन असेस्ड. ऑल्सो इट शुड बी सीन दैट इन द पास्ट देयर हैज बीन नो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट. इफ सो द कंपनी मे बी लाइबल फॉर एन अनडिस्क्लोज सम ऑफ टैक्सेस प्लस पेनल्टीज. एनी टेम्पररी टैक्स बेनिफिट शुड बी डिसरिगार्डेड. तो इस तरीके से हमें इफ सो द कंपनी मे लाइबल टू अनडिस्क्लोज लाइबल फॉर एन अनडिस्क्लोज सम ऑफ टैक्सेस प्लस पेनल्टीज एनी टेम्पररी टैक्स बेनिफिट शुड बी डिसरिगार्ड. कैपिटल के रिस्पेक्ट में हमको ये देखना है कि कैपिटल वेल बैलेंस्ड होना चाहिए. सिर्फ डिबेंचर ए कॉन्सेंट्रेटेड कैपिटल नहीं होना चाहिए, बास्केट ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स होना चाहिए. सिंपल सी बात है, ये बताया गया है. कैपिटल द अमाउंट ऑफ कैपिटल रीजनेबल कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. एंड फिक्स एसेट के वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल रीजनेबल होना चाहिए एंड द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. एंड वर्किंग कैपिटल को देखते हुए हमारे पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड होनी चाहिए. द टर्म एसोसिएट विद द इशू ऑफ द कैपिटल शुड ऑल्सो बी स्टडीड. द टर्म एसोसिएट विद द इशू ऑफ कैपिटल शुड ऑल्सो बी स्टडीड. द टर्म एसोसिएट विद द इशू ऑफ कैपिटल शुड ऑल्सो बी स्टडीड. द टर्म जो एसोसिएट है विद द इशू ऑफ कैपिटल, द टर्म जो है जो इशू ऑफ कैपिटल से एसोसिएटेड है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा. रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यूजुअली डिप्रेसेस द वैल्यू ऑफ शेयर एंड द बिजनेस. इंटरप्रिटेशन ऑफ, अब आती है बात इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स की. तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल बैलेंस शीट को समझा. हमने जो है हमने बकायदा ग्रोथ, हमने किसको समझा, हमने स्टडी करा ओवरऑल पिक्चर को. तो ओवरऑल पिक्चर को स्टडी करा, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल के आइटम्स को पढ़ा, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के आइटम्स को पढ़ा. इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स में फिक्स एसेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी नेसेसरी इन द फ्यूचर फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेज शुड बी असेस्ड हैविंग रिगार्ड टू अंडर मेंशन फैक्टर. द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट व्हेन दिस वुड बिकम एब्सोल्यूट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड बी नेसेसरी इन द फ्यूचर. तो कितना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फ्यूचर में ज़रूरी है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए. ये फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से एसेट हमको रिप्लेस करना है. एक्सपेंडिचर बहुत जो जरूरी है इन रिप्लेसमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मशीनरी, या हमको जब कैपिटलाइज करना है तो ये सब चीज़ें. फिर टर्नओवर में हमको ये देखना पड़ेगा, जब हमको फ्यूचर मेंटेनेबल टर्नओवर निकालना पड़ेगा हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है कंपनी का, मार्केटेबिलिटी है कि भी नहीं है प्रोडक्ट की. तो पास्ट सेल को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा इस फिनोमिना को, देखना पड़ेगा मार्केटेबिलिटी, शेयर ऑफ जो है जो शेयर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, शेयर ऑफ कंपनी कितना है इन इंडस्ट्री. तो मार्केटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्या सेल हो सकता है न्यू मार्केट में, कि वो हो सकता है न्यू मार्केट में, क्या मार्केट एक्सप्लॉयड हो चुका है, अब कोई एरिया नहीं बचता है. तो हमको देखना पड़ता है कि इज द पॉसिबल टू एक्सटेंड द सेल इन टू न्यू मार्केट और दिस हैव बीन फुली एक्सप्लॉयड. पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखने पड़ेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर. कंपटीशन देखना पड़ेगा, कंपटीशन का क्या इम्पैक्ट है प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के शेयर के ऊपर. तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी. वर्किंग कैपिटल के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल क्या ज़्यादा ब्लॉक्ड रहेगा,
in making assessment of working capital requirement in the future, the following matters should be taken into account. Has the ratio of inventory to turnover has been increasing? Inventory to turnover has been increasing. कि जितना turnover है, तो अगर ये ratio जो है inventory to turnover अगर increasing है, तो अगर ये increasing है तो क्या ये continuing है कि temporary है? Trade payable है वो promptly pay कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? Receivable से promptly हमको time to time receive हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो है operating cycle smoothly work कर रही है कि नहीं कर रही? The other trade payable being promptly or there has been backlog which will have to be dealt with. What will be the effect on inventory, trade receivable, trade payable if the turnover is increased or new product are introduced? So what will be the effect on inventory, trade payable or trade receivable? इसका इफेक्ट क्या है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेपर पे इफ द टर्नओवर इज इंक्रीज्ड और न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड? तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फिर हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एस्टिमेट करना है तो फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर रिव्यू शुड बी एग्जामिन आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट और एक्सट्रेनियस फैक्टर. द फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू शुड बी एग्जामिन. तो जो फ्लक्चुएशन है प्रॉफिट का ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू शुड बी एग्जामिन. तो जो फ्लक्चुएटिंग इन प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर रिव्यू उसको एग्जामिन करना पड़ेगा आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट फॉर एक्सट्रेनियस फैक्टर. तो फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर रिव्यू शुड बी एग्जामिन. द फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर रिव्यू शुड बी एग्जामिन एंड आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट एंड एक्सट्रेनियस फैक्टर. तो आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट फॉर एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा वो प्रॉफिट जो एक्सट्रेनियस फैक्टर से हुए है इफ़ एनी डेट हैव गिन राइज टू फ्लक्चुएशन जिसके कारण ये फ्लक्चुएशन आया है. एंड टू डिटरमाइन वेदर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन वर टेम्प्ररी, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है टेम्प्ररी है कि या वो कंटिन्यू होंगे फ्यूचर में भी, अ स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर शोइंग सेपरेटली द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अर्न इन ईच ऑफ द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट and therein if considered necessary as regard factor which have been responsible for extraordinary increase in the profit. If the percentage of profit before taxation to capital has been stable or has been increasing, it would indicate that the business would continue to earn the same rate of profit as it was done in the past. If on the other hand the percentage has been falling and there is no evidence that the factor responsible therefore have ceased to operate, investigation of further capital in the business could not commercially advisable. तो क्या बोला गया है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है, हमको देखना है कि टेम्प्ररी है कि वो लाइकली रिकर करेंगे फ्यूचर में. अ स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर शोइंग द सेपरेबिलिटी द प्रॉफिट, द स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर शोइंग सेपरेटली द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा जो प्रॉफिट एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन को सेपरेटली स्टेट करेगा इन ईच ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट देयर इन. If considered necessary as regard factors have ठीक है, तो हमको ये स्टेटमेंट है शुड बी प्रिपेयर शोइंग द सेपरेबिलिटी द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अर्न इन ईच ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट देयर इन इफ कंसिडर्ड नेसेसरी एज रिगार्ड फैक्टर विच हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन प्रॉफिट. तो बकायदा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर्स का एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा. इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन टू कैपिटल हैज बीन स्टेबल और हैज बीन इंक्रीजिंग, इट वुड इंडिकेट दैट, अब ये अगर इसके बाद भी अगर इंक्रीज कर रहा है ट्रेंड, तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस वुड कंटिन्यू टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट एज इट हैज डन इन द पास्ट. इफ ऑन द अदर हैंड परसेंटेज हैज बीन फॉलिंग एंड देयर इज नो एविडेंस दैट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देयरफॉर हैव सीज टू ऑपरेट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्दर कैपिटल इन द बिजनेस वुड नॉट बी कमर्शियली एडवाइजेबल. और ऑन द अदर हैंड अगर लग रहा है कि परसेंट फॉल हो रहा है, तो कोई एविडेंस नहीं है दैट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देयर फॉर हैव सीज टू ऑपरेट, और ये भी कोई एविडेंस नहीं है कि जो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके रिस्पेक्ट में हैव सीज टू ऑपरेट, तो बेटर है कि उसको कमर्शियली एडवाइज नहीं किया जाए जो है इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ये फैक्टर्स बाद में भी आए, वो बाद में आए तो वो प्रॉफिट को डिक्लाइन करे. तो इस तरीके से हमने इसको पूरा पढ़ा था. बहुत जल्दी से मैं इसको अब रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या है इसमें, अपन रिवाइज कर लेते हैं कि हमको सबसे पहले अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमको सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर को देखना पड़ेगा, पोजिशन ऑफ द बिजनेस को देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग है टू इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कि एक ही प्रोडक्ट पर पूरा डिपेंडेंट है. फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर लेबर इंटेंसिव है तो स्किल्ड लेबर है कि नहीं है,
फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ेगी, रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेड यूनियन, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड कैसा है, तो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट की किस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होलसेलर रिटेलर कैसे होता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन को समझना पड़ेगा, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कितनी है, क्या वो उतना सफिशिएंट है, सेल्स का ट्रेंड और प्रॉफिट का ट्रेंड कितना है, और वेदर द प्रॉफिट विच द बिजनेस कुड बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन द फ्यूचर, क्या प्रॉफिट जो है, वेदर द प्रॉफिट विच द बिजनेस कुड बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन फ्यूचर, क्या वो जो है प्रॉफिट है क्या वो फ्यूचर में मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा ऑफ अ कंसर्न कंसीडरिंग ईच आइटम इंक्लूडेड, तो उसमें टर्नओवर देखना पड़ेगा, तो और इसमें भी बोलना पड़ेगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमको 5 साल का देखना पड़ता है, पर अगर फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा ही है तो कर्व आउट करना है वो फ्लक्चुएशन को, तो हमको 9-10 साल के लिए भी जाना पड़ सकता है। टर्नओवर में हमको देखना पड़ेगा, हमको ब्रोक डाउन करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज, हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वाइज टर्नओवर कितना है, वेरिएशन हमको पता करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि टर्नओवर फ्यू कस्टमर पे डिपेंड है कि स्मॉल स्मॉल टर्नओवर वेरियस कस्टमर से करते हैं, और फिक्टिशियस सेल्स को देखना पड़ेगा, कोई फिक्टिशियस सेल्स भी इंकॉर्डेड नहीं है टू बूस्ट अप द सेल, और फिगर ऑफ सेल्स को एडजस्ट करना पड़ता है अगर कुछ इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट हुए हैं तो, और अगर वेरियस सोर्सेस से सेल हुई है तो हमको स्प्लिट द इनकम बिटवीन टू सोर्सेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग और एजेंसी, तो अगर बिजनेस दो ऑपरेशन करी है वो डिसिमिलर है तो हमको जो प्रॉफिट्स है उसको भी इस तरीके से बांटना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट है, एजेंसी वाले ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट है। फिर हमको वेज स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, हाई वेजेस पे करते हैं, कितना वेजेस पे करते हैं, किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, बिजनेस में अगर कुछ सेवरल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वर्किंग इंटरप्टेड है, तो प्रॉपर सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अब उस समय हम ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। डेप्रिसिएशन, द चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी अदर असेट, हमको ये देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन प्रॉपरली प्रोवाइड फॉर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द डेप्रिसिएशन चार्ज मेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एडिक्वेट प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ असेट को भी प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर विद द इंक्रीज ऑफ टाइम अगर मेंटेनेंस का कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ है तो रीज़न पता करो, ऐसा तो नहीं कि कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करा है कि नहीं करा है, मैनेजरियल रेमुनरेशन जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, वो हैवी रिगार्ड टू क्या देखना पड़ेगा, टाइम डिवोटेड के हिसाब से और बिजनेस के प्रॉफिट के हिसाब से हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी कि प्रॉपरली मैनेजरियल रेमुनरेशन पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स, तो जो नॉन रिकरिंग आइटम्स है, एक्सेप्शनल आइटम्स है, मटेरियलिटी से भी हो सकता है, पीरियडिसिटी से भी हो सकता है, तो उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को प्रॉपरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस के प्रोग्राम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, एक्सपेंसेस जो है रिकरिंग एक्सपेंसेस है बकायदा वो उसी पैटर्न में ही इंकर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, रॉन्ग अलोकेशन तो नहीं होता है। फिर हमने अनयूजुअल ईयर से, अनयूजुअल ईयर इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने समझा था कि बेसिकली हम रीसेंट ईयर के रिकॉर्ड से हम पता करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पता करते हैं टर्नओवर पता करते हैं ट्रेंड पता करते हैं, पर अगर कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन है और वेरिएशन है तो हमको पास 9-10 साल का देखना पड़ता है टू आयरन आउट दी फ्लक्चुएशन, इफ इट इज़ नोटिस दैट द रिजल्ट ऑफ वन और मोर ईयर्स अंडर स्क्रूटनी वर मटेरियली वीटिएटेड बाय द एक्सेप्शनल फैक्टर्स, अगर कुछ एक्सेप्शनल फैक्टर्स है टेम्प्ररी है तो बात खत्म है, पर ये चले ही आ रहा है तो हमको फिर जो है 9-10 साल का देखना पड़ेगा टू आयरन आउट द फ्लक्चुएशन। इफ इट इज नोटिस दैट रिजल्ट ऑफ वन और मोर ईयर अंडर स्क्रूटनी वर मटेरियली वीटिएटेड बाय एक्सेप्शनल फैक्टर्स लाइक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नेचुरल कलामिटीज द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड एलिमिनेट सच ईयर, तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को उसको एलिमिनेट करना चाहिए कि अगर कुछ डिस्प्यूट के कारण कुछ नेचुरल कलामिटीज से बहुत ही ज़्यादा ही वेरिएशन आए तो फिर उस ईयर्स को एलिमिनेट करो, बट फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, देखो कुछ एक्सेप्शनल फैक्टर्स हैं तो बात अलग है, पर वाइड फ्लक्चुएशन आ रहा है तो उसको आयरन आउट करने के लिए 9-10 साल का ट्रेंड ले लो। तो ये एक्सेप्शन फैक्टर्स ये कुछ सालों में था तो उन सालों को एलिमिनेट करो। बैलेंस शीट में हमने देखा कि भैया प्रॉपर एज वाइज एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर वैल्यू ऑफ सर्विस से ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रॉपर कैपिटलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर बुक होता है कि नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर क्लासिफिकेशन है कि नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे वैल्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस,
कैरिंग अमाउंट पे अगर अगर आप इन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, पर अगर ज़्यादा ही डिप्लीशन है तो आप कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हो, और कैरिंग अमाउंट हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो भी इनकम है, इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी इनकम है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रॉपरली शो करके रखा है कि नहीं करा है। हाउएवर इन सम केसेस सच रिसिप्ट रिप्रेजेंट रिकवरी ऑफ कॉस्ट। अब कुछ जो होती है वो इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं होती है, वो रिसिप्ट शो करते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट को, तो बकायदा कॉस्ट में से माइनस करी है कि नहीं करी है, इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता है, और इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता है, और इन्वेस्टिगेशन में कोई सा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट का, बकायदा एक ड्यू अलाउंस हो डैमेज ऑब्सोलीट एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज का। ट्रेड रिसीवेबल के रिस्पेक्ट में हमको ये देखना पड़ता है कि एज वाइज एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैड डेट क्या जिस सेल से रिलेटेड है, जिस साल में हुआ है उस साल में बैड डेट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि सब्सिक्वेंट ईयर में कर रहे हैं जब वो रिटर्न ऑफ हुआ, तो जनरली सब्सिक्वेंट ईयर में ही करते हैं हम। जब स्लम्प हो जाता है या फॉरेन इंटरनेशनल प्राइसेस हो जाते हैं तो हम बैड डेट जो है सब्सिक्वेंट ईयर में ही बुक करते हैं। क्रेडिट पीरियड का लेंथ देखा जाता है कि क्या हमने क्रेडिट पीरियड एडिक्वेट करा है, क्या इतना ही क्रेडिट पीरियड देना जरूरी है फॉर द इंक्रीज इन सेल्स। फिर एज वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर ये देखते हैं कि जो आइडल एसेट है वो आइडल एसेट की स्क्रूटनी करते हैं, और ठीक है कि जो कौन से एसेट आइडल है जो प्रॉपरली बिजनेस में नहीं दिख रही है। फॉर एग्जांपल सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी हैव बीन पुट टू यूज़ आफ्टर अ कंसीडरेबल पीरियड, तो फॉर एग्जांपल सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी हैव बीन पुट टू यूज़ आफ्टर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एक्विजिशन, सो सम ऑफ द फिक्स एसेट मे बी अवेटिंग इंस्टॉलेशन इवन एट द वैल्यूएशन टाइम। तो हमको आइडल एसेट्स को भी स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, हमको लाइबिलिटीज चेक करनी पड़ती है कि वो अंडरस्टेट और ओवरस्टेट तो नहीं है, सपरेशन तो लाइबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि क्या वो अंडरस्टेट है क्या वो ओवरस्टेट है, तो ऐसे हमको लाइबिलिटीज चेक करनी पड़ती है, सपरेशन ऑफ लाइबिलिटीज तो नहीं है प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, एडजस्टमेंट प्रॉपरली करना पड़ता है, अगर लाइबिलिटी प्रॉपरली शो नहीं करी है तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ लार्ज और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो नहीं है, वो सारी लार्ज एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसका पे ऑफ प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में हमको असेसमेंट ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा प्रॉपर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाते हैं कि नहीं बना रहे हैं। कैपिटल में हमको ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल जो है वो वेल बैलेंस्ड है कि नहीं है, जो है कैपिटल है एडिक्वेट है कि नहीं है सब्जेक्ट टू फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स देखने पड़ेंगे कि हमको अगर जब फ्यूचर मेंटेनेंस अगर हमको ये चेक करना है कि फ्यूचर में कितना एक्सपेंडिचर लगना है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या फिक्स एसेट आगे कितने फ्यूचर रिप्लेसमेंट होने वाले हैं, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो कितना अमाउंट है वो कैपिटल में एक्सपेंडिचर हमको लग जाएगा, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में कितना एक्सपेंडिचर हमको हो सकता है। टर्नओवर में हमको देखना पड़ेगा, कंपटीशन देखना पड़ेगा कितना कंपटीशन आगे हो सकता है, और पॉलिटिकल कंसीडरेशंस देखने पड़ेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज देखनी पड़ेगी जिसका हमको इम्पैक्ट आ सकता है, मार्केटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या उस प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी है, और ट्रेंड देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है आगे, और हमको पास्ट ट्रेंड को देखते हुए देखना पड़ेगा कि क्या आगे भी उसी ट्रेंड से होगा, तो ये ट्रेंड पास सेल का ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी उस प्रोडक्ट की, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसीडरेशंस, कंपटीशन देखना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट होता है पूरा का पूरा बिजनेस पे, तो हमको उससे हम टर्नओवर आगे का डिसाइड करते हैं कि अच्छा फ्यूचर में ऐसे ऐसे टर्नओवर हो सकते हैं। वर्किंग कैपिटल में हमको देखना पड़ेगा कि है द इन्वेंट्री टू टर्नओवर रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, और अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या ये टेम्पररी ट्रेंड है कि कंटिन्यूस ट्रेंड है, अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग जाएगा, क्या ट्रेड पेबल प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रेड रिसीवेबल से जो है ट्रेड पेबल को प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रेड रिसीवेबल से प्रॉपर्ली पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, और एस्टिमेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को एस्टिमेट करना, तो एस्टिमेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसके हिसाब से हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को एस्टिमेट करते हैं। अब जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखते हैं तो हम ये देखते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर्स कितना हुआ है, अगर कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर से हुआ है वो टेम्पररी है तो उसको एडजस्ट कर देंगे, और जो फिर हमको स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर शोइंग द सेपरेटली प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाएगा जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन करेगा ऑन ईच ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट इट हैज़ बीन कंसिडर नेसेसरी एज रिगार्ड टू फैक्टर दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन प्रॉफिट, द स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर शोइंग अ सेपरेटली प्रॉफिट फॉर डेप्रिसिएशन अर्न इन ईच ऑफ द ईयर्स, द स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर शोइंग सेपरेटली द प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन अर्न इन ईच ऑफ द ईयर्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट डेयर इन इट कंसिडर नेसेसरी एज रिगार्ड फैक्टर हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन प्रॉफिट, हमको ये देखना पड़ेगा कि ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है इसी कारण ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है, क्या ये टेम्पररी है
तो टेम्प्रेरी है तो उसको एडजस्ट कर लो, अगर ये परमानेंट है अब ऐसा ही होगा तो उसको भी ट्रेंड में इनकॉर्पोरेट करो और इस बेसिस पे आप डिसाइड करो कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, स्टडी ऑफ ओवरऑल पिक्चर पढ़ा हमने, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में टर्नओवर पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पढ़ लिया, वेज स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एक्सेप्शनल और नॉन रिकरिंग आइटम्स पढ़ लिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देख लिया, जो भी पीएनएल के आइटम्स हैं, अनयूजुअल ईयर का हमने देख लिया, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट देख लिया, इन्वेस्टमेंट देख लिया, इन्वेंट्री देख लिया, लाइबिलिटीज हमने देख लिया, अदर लिक्विड एसेट हमने देख लिया, ट्रेड रिसीवेबल देख लिया, लाइबिलिटीज में हमने लाइबिलिटीज, टैक्सेशन, कैपिटल, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स हमने देखे कि हम कैसे इंटरप्रेट करें फिगर्स को, तो फिक्स एसेट हमने देखा, टर्नओवर में हमने देखा, वर्किंग कैपिटल हमने देखा कितनी जरूरत पड़ेगी, एस्टिमेट करा फ्यूचर में इंटरनल प्रॉफिट का। तो इस तरीके से जो है हमने ये सब चीज़ें इवैल्यूएट करके चेक करा जाएगा कि जो है इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर बिजनेस में करना है कि नहीं करना है।